तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक ऐसे बोर्ड के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिस बोर्ड का हाल ये है कि एक ही विषय में, वो भी हिंदी में, लगभग 10 लाख स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि एक ही विषय, वो भी हिंदी में, लगभग 10 लाख स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। और आज मैं इस वीडियो में इसी बोर्ड के बारे में चर्चा करूंगा कि किस बोर्ड में ये घटना घटी, किस राज्य में ये घटना घटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का न्यूज आपको मिलता रहे। और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि एक ही बोर्ड में लगभग 10 लाख, एक ही विषय में लगभग 10 लाख स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड के बारे में। यूपी बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना रिजल्ट जारी किया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है वो 27 अप्रैल को जो रिजल्ट जारी किया था, 10th और 12th दोनों का रिजल्ट एक ही डेट में जो जारी किया गया था। और इसमें मैं बता दूं कि लगभग 20% बच्चे जो है सो 10th क्लास में फेल हुए थे और 30% बच्चे जो है ना सो 12th क्लास में फेल हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इस फेल होने वाले स्टूडेंट में से 10 लाख स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय में फेल कर गए हैं। लगभग 9,98,250 स्टूडेंट्स, 9,98,250 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय में फेल हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां पे हिंदी भाषा ही बोली जाती है और उस राज्य का ये स्थिति है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां का एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है कि 9,98,250 स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय में फेल कर जाते हैं। इसमें से 5,74,409 स्टूडेंट 10th क्लास में हिंदी विषय में फेल करते हैं और साथ में 4,23,841 स्टूडेंट जो है वो 12th में हिंदी विषय में फेल करते हैं। तो ये कंडीशन है कि यूपी बोर्ड का, उत्तर प्रदेश बोर्ड का, कि 10 लाख स्टूडेंट हिंदी विषय में फेल कर जाते हैं। वो हिंदी सब्जेक्ट, वो हिंदी विषय जिसको हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, राज्य भाषा उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उस राज्य में बच्चे बचपन से ही हिंदी भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी विषय में ही 10 लाख स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां का एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है और बच्चे को क्या वहां पढ़ाई जाती है, बच्चे को क्या समझाई जाती है, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है। और मैं आपको बता दूं कि जो इस 10 लाख स्टूडेंट तो हिंदी विषय में फेल हुआ है, लेकिन जब परीक्षा चल रही थी उसी दौरान जो है लगभग जो है सो 4,51,000 4,51,252 स्टूडेंट जो है एग्जाम ही देना छोड़ दिया हिंदी विषय का, है ना। वो हिंदी विषय का सिर्फ जो है ना 4.5 लाख स्टूडेंट जो हिंदी विषय का एक परीक्षा देना छोड़ दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर क्या पढ़ाई जाती है स्कूल और कॉलेजेस में, कितने इतने सारे जो है, इतने सारे स्टूडेंट जो है सो हिंदी विषय का परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है और जो देते भी वो फेल कर जाते हैं। और जब हिंदी विषय का ये हालत है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का क्या हाल होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। अगर एजुकेशन लेते रहे, सिर्फ डिग्री लेते रहे, तो डिग्री से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये बहुत एक चौंकाने वाली खबर है कि इतने सारे स्टूडेंट एक ही विषय में फेल करते हैं, वो भी हिंदी में फेल करते हैं। आपको मैं एक और घटना बता रहा हूं, ये यूपी की घटना है, 2 साल पहले की घटना है। वहां पे एक वैकेंसी निकलती है और लगभग उसमें 62 सीट है, 62 सीट है। और उस में काम ये है कि जो पोस्ट, ये पुलिस स्टेशन जो है, थाना जो है, उसमें झाड़ू लगाना है। और उसके लिए डिग्री जो चाहिए था वो 8वीं पास चाहिए था, जो भी होल्डर है 8वीं पास चाहिए था। इसमें टोटल आवेदन जो आते लगभग 52,000 आवेदन लोग करते हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 28 ऐसे आवेदक थे, ऐसे होल्डर्स थे जिसके पास पीएचडी की डिग्री है, मतलब कि पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं और झाड़ू लगाने वाला एक चपरासी बनना चाहते हैं। हद हो गई है, आप डॉक्टर बन चुके हैं, नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है और आप वो फॉर्म भर रहे हैं जहां पे 8वीं पास डिग्री होनी चाहिए और झाड़ू लगाने वाले पोस्ट मिल रहा है। तो ये समझ से परे है कि आखिरकार क्या पढ़ाई जा रही है, वहां पे क्या पढ़ाई होती है कि 11-11 लाख स्टूडेंट, 10-10 लाख स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय में फेल हो जाते हैं। और ये तो मैं 2019 के बारे में बता रहा हूं, 2018 में भी लगभग हिंदी विषय में जो है 11,20,000 स्टूडेंट फेल कर गए थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आखिरकार उस बोर्ड का क्या कंडीशन होगा। और कोई भी मीडिया वाले इस खबर को नहीं छाप रहे हैं, कोई भी मीडिया वाले, प्रिंटेड मीडिया हो या फिर टेलीविजन पे, इस खबर को नहीं दिखाई जा रही है। इतने सारे स्टूडेंट एक ही विषय फेल करते हैं और यह खबर को नहीं दिखाई जा रही है, ना तो कोई चैनल पे आप लोग देखे होंगे, ना तो प्रिंटेड मीडिया में आप लोग देखे होंगे। अगर यही घटना अगर बिहार में घटी हुई होती तो शायद इसे बिहार लेवल पे ही नहीं,
इसे इंडिया लेवल पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे बता दिया गया होता, पूरे वर्ल्ड में यह खबर छापी गई होगी, छापी जाती, लेकिन ये नहीं है। यूपी बोर्ड में इतने सारे बच्चे फेल कर रहे हैं और कहीं टेलीविजन पे दिखाया ही नहीं जा रहा है, हद हो गई है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लग जाता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके कि यूपी में जो है वो हिंदी विषय में स्टूडेंट का क्या हाल है, कैसे वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि 10-10 लाख स्टूडेंट फेल कर जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी प्रकार के मैं कई सारे न्यूज को लेकर के आने वाला हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।